साथियों, मैं डॉक्टर विकांत, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं कि गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, तो जो छोटे बच्चे हैं या न्यूबॉर्न बेबीज हैं या अभी पैदा हुए हैं, उनको किस टेम्परेचर में रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी का सीजन है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या एसी का इस्तेमाल करें या कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो यही जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूँ कि एसी अगर इस्तेमाल करना है तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए और क्या सावधानी आपको रखनी है, और कूलर अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही काम की जानकारी है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे काम की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं एसी को किस तरह से इस्तेमाल करना है छोटे बच्चों के लिए। देखिए, अगर एक शब्द में कहूँ कि एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना है या नहीं, तो इसका आंसर है हाँ, कर सकते हैं, लेकिन सावधानी जरूरी है। क्या सावधानी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ी सावधानी जरूरी है न्यूबॉर्न बेबीज और छोटे बच्चों के साथ। तो वो क्या सावधानी है वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे एडल्ट होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो अपने शरीर का तापमान रेगुलेट कर लेते हैं, उनमें बॉडी का मैकेनिज्म इस तरह से डेवलप हो जाता है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो तो उस पर भी बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, थर्मोरेगुलेशन हो जाता है। लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, छोटे बेबी हैं, नियोनेट्स हैं, उनमें ये अभी डेवलप नहीं होता है। तो जो लोवेस्ट टेम्परेचर है जो न्यूबॉर्न बेबी बियर कर सकते हैं वो है 20 से 23 डिग्री सेल्सियस। अगर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर टेम्परेचर चला जाएगा वातावरण का, एटमॉस्फेयर का, किसी भी वजह से, तो ऐसी कंडीशन में फिर बच्चों को हाइपोथर्मिया नाम की एक समस्या हो सकती है। हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि जो शरीर का तापमान है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 36.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, और हाइपोथर्मिया में अगर कंडीशन हो जाए तो इससे और भी ज़्यादा समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि जो कमरे का तापमान है वो 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आपके जो एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर एसी की जो सेटिंग है आपके टेम्परेचर की, वह आप 24 से 26 के बीच में सेट करेंगे, ठीक है। 24 से नीचे तो न्यूबॉर्न बेबीज या न्यूनेट्स के कमरे में बिल्कुल भी आप सेटिंग करेंगे ही नहीं, ठीक है, चाहे आप टॉप फ्लोर पर रहते हैं चाहे किसी फ्लोर पर रहते हो, ठीक है। तो मौसम के हिसाब से और फिर एसी की कैपेसिटी के हिसाब से आप टेम्परेचर रेगुलेट कमरे का करेंगे, लेकिन जो कमरे का तापमान है वो 24 से 26 के बीच में आप सेट करेंगे। बल्कि मेरे पास जो बहुत से पेरेंट्स आते हैं, वो न्यूबॉर्न बेबीज के बारे में पूछते हैं कि किस टेम्परेचर में बेबी को सुला सकते हैं, तो मैं उन्हें 27 डिग्री सेल्सियस बोलता हूँ, 1 डिग्री मैं एक्स्ट्रा बढ़ा करके बोलता हूँ, ताकि वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखें इस चीज़ की कि 27 डिग्री सेल्सियस पर आप न्यूबॉर्न बेबीज को रखिए अगर आप एयर कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में 24 से नीचे नहीं जाएगा, नहीं तो बच्चे को हाइपोथर्मिया हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं बच्चे को कपड़े कैसे पहनाने हैं। देखिए, आप बच्चे को कॉटन का इनर, तो जो बनियान जिसे हम कहते हैं, वो तो पहनाना ही है गर्मी के सीजन में। उसके बाद आप उसके रेगुलर कपड़े पहनाइए, ताकि जो कपड़ों की लेयर्स हैं उसमें जो एयर ट्रैप रहती है, उसकी वजह से जो शरीर का तापमान है बच्चे का वो मेंटेन रहे। और रात में जैसे नेचुरली जो तापमान होता है कम हो जाता है, तो ऐसे समय में आपको बच्चे के हाथ और पैर छूकर के बीच बीच में देखने कि कहीं बच्चे के हाथ पैर एसी के वजह से ठंडे तो नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एसी का टेम्परेचर सेट करेंगे और बच्चे की भी बीच बीच में आप चेक करना आपको पड़ेगा, ठीक है। और 27 डिग्री के आसपास ही आप चलाएंगे ना इस एयर कंडीशनर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कूलर की। डायरेक्ट कूलर की हवा में लिटाना ठीक नहीं है। आजकल बड़े अच्छे क्वालिटी के कूलर आने लगे हैं और बहुत ज़्यादा कूलिंग भी करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा हटा करके कूलर के डायरेक्ट एयर से तब बच्चे को सुलाएंगे। हल्का कपड़े से बच्चे को ढक भी सकते हैं, और जो ह्यूमिडिटी है उसका भी ध्यान रखना है। 30 से 60% की जो ह्यूमिडिटी होती है उसमें बच्चे कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। और जो ज़्यादा ड्राई एयर में आप बच्चे को सुलाते हैं तो बच्चे की ड्राई जो स्किन ड्राई हो सकती है, तो इसके लिए बेहतर ही होता है कोकोनट ऑयल की आप मसाज कर सकते हैं बच्चे को। कोकोनट ऑयल वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मॉइस्चराइजर क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि स्किन जो है ड्राई ना हो और बच्चा कंफर्टेबली फील करे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो आप इन सब सावधानियों के साथ कूलर और एयर कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। काम की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। धन्यवाद।